नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा की उपस्थिति में दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का शीर्षक भारत में वन हेल्थ गतिविधियों के लिए कानूनी पर्यावरण आकलन पर राष्ट्रीय परामर्श है। कार्यशाला का उद्देश्य कई मुद्दों पर चर्चा करना है, जिसमें वन हेल्थ गतिविधियों को प्रभावित करने वाले मौजूदा कानूनों और विनियमों की मजबूती, अंतराल और अतिव्यापन की पहचान करने पर वर्तमान कानूनी ढांचे का आकलन करना शामिल है। All I'm saying is that how do we convene this kind of a vibrant group together on an ongoing basis? Because it is intersectoral, it is state and union and so on. So those mechanisms also need to be thought about. That's my one submission, and let's therefore get together. Get to the business. We expect a lot of suggestions and recommendations from you. We are truly moving from one earth to one health, and I think as a part of that, one public health across humans, wildlife, agriculture, and domestic animals. इस मौके पर कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजीव मणि, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव लीना नंदन, यूएनडीपी की भारत प्रतिनिधि इसाबेल सचान और अन्य हितधारक भी कार्यशाला में शामिल हुए।